आज तक की ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हैं। प्राची में तेज बारिश की पेशन गोई, इंटर बोर्ड के पर्चे मुलतवी। कराची शहर कायद में तेज़ बारिश की पेशन गोई पर इंटर बोर्ड ने आज के पर्चे मुलतवी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने आज कराची में तेज़ बारिश की पेशन गोई की है, जिसके बाईस आर्ट्स, रेगुलर, प्राइवेट और खसूसी उम्मीदवारों के पर्चे और अमली इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। भारत ने एक मरतबा फिर दरिया चिनाब में पानी छोड़ दिया। भारत की आबी जा रही है थम न सकी। चंद दिनों में भारत ने एक मरतबा फिर दरिया चिनाब में पानी छोड़ दिया, जिससे मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा पैदा हो गया है। पीटीआई लाहौर जलसा, टेंडर से पहले स्टेडियम का एस्ट्रोटर्फ हट गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई ने लाहौर में पहली बार जश्न आज़ादी जलसा के लिए किसी स्टेडियम का इंतखाब किया है। इसका ट्रफ अपनी मियाद पूरी कर चुका है, लेकिन इसे हटाने और नया एस्ट्रोटर्फ बिछाने का टेंडर ताहाल नहीं दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की कॉल पर 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जलसे के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म के माउन तारड़ ने हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई की इजाज़त दी थी। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म के माउन खसूसी ताला तारड़ ने हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर डीजीआई स्पोर्ट्स पंजाब को कानूनी नोटिस अरसाल कर दिए। अताउल्ला तारट ने नोटिस में मौकफ इख्तियार किया कि हॉकी स्टेडियम में जलसे की इजाज़त देकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। नोटिस के मुताबिक करोड़ों रुपये मालियत के एस्ट्रोटर्फ अखाड़ कर इख्तियार से तजावज़ करके सूबे के खजाने को नुकसान पहुँचाया गया है। नैब के कानून के तहत ये संगीन जराय। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में कारोबारी औकात पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 11 अगस्त से कारोबारी बंदिश के औकात से आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद तमाम कारोबार और दुकानों को रात गए तक खोलने की इजाज़त। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग के औकात से भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। वाज़ेह रहे, इस्लामाबाद के इंतजामिया हुकूमती अहकाम के बाद तवानाई बहरान ख़त्म कर दिया। इस्लामाबाद की मार्केटें, दुकानें, कारोबार और तजारती मराक रात को जल्द बंद करने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।